एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आ रही हूँ, ये मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ। इसमें हम पहले कुछ सवाल लेंगे, देखेंगे कि आपके सवाल क्या निकल कर आते हैं, और फिर हम एंजल से पूछेंगे कि जवाब क्या है। तो सवाल आपके होंगे, जवाब एंजल्स के होंगे, देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सवाल क्या हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम ये डेक यूज़ करेंगे और जवाब के लिए हम मेन डेक यूज़ करेंगे, ठीक है? तो विल टेक 5 क्वेश्चंस, ठीक है? 5 कार्ड्स लेंगे हम, देखते हैं क्या क्या सवाल निकल कर आते हैं उन 5 कार्ड में। लव लाइफ से रिलेटेड है गाइज, ये रीडिंग पूरी तरह से लव लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, ये रीडिंग आपके लिए है। जिसको सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोचिए और मन में एक प्रश्न सोच लीजिए जो भी आप एंजल से पूछना चाहते हैं। अगर वो प्रश्न यहाँ पर पिक होगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या क्वेश्चंस हैं मेरे व्यूवर्स के दिमाग में, दिल और दिमाग से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला 2 कार्ड हमारे पास आ गया है, तीसरा कार्ड भी आ गया है, 3 क्वेश्चन आ गए हैं, 2 और क्वेश्चन एंजल्स। ओके, लास्ट लास्ट वन, बॉटम ऑफ द डेक है। 5 कार्ड लेने थे, 5 नंबर से एंडिंग हुई है, 5 ऑफ कप्स, तो हम उसे भी क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है? तो गाइस, सबसे पहले मैं एक एक करके बताती हूँ कि आपने क्या क्या पूछा है। जिसके जिसके क्वेश्चन यहाँ पिक होंगे, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है? सो सबसे पहले काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, क्या आपके लिए उनकी फैमिली या आपकी फैमिली मान जाएगी? किसका सवाल है बताना, क्या आपके लिए उनकी फैमिली या उनके लिए आपकी फैमिली मान जाएगी, क्या होगा एंजल्स? इसका जवाब है बहुत चांसेस कम है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपका कर्म बंधन कैसा है उनके साथ। अगर आपका कर्म बंधन उनके साथ है, डेस्टाइंड कनेक्शन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कर्मा होता है, जैसे आपका अगर उनके साथ डिवाइन कनेक्शन है, तो कोई माने या ना माने, आपका पर्सन आपके साथ यूनाइट होगा। बट अगर यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन नहीं है, कार्मिक कनेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है? यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका पर्सन आपके साथ कितना लॉयल है, वो आपको कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपके लिए कितना पॉजिटिव है, कितना प्रोटेक्टिव है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आपके जवाब में निकल कर आई हैं, ठीक है? अब आपको उनके नेचर से, बिहेवियर से ये चीज़ें पता करनी है कि उनके साथ आपका कार्मिक बंधन जैसा फीलिंग है, वो पर्सन आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं, लोगों के सामने, समाज के सामने आपको हाइड तो नहीं कर रहे हैं, छुपा हुआ रिलेशन तो नहीं रख रहे हैं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो उन्हें डर किस बात का है, और अगर डर है तो वो प्यार क्यों कर रहे हैं, ये प्यार है भी या दिखावा है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको स्पाई करते हैं, क्या किसी अननोन आईडी या किसी अननोन नंबर से वो आपके बारे में खोजने की कोशिश करते हैं? मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आप उनके बारे में सर्च करते हैं या रीडिंग्स के थ्रू उनकी एनर्जी देखने की कोशिश करते हैं, क्या उन्हें कहीं ना कहीं से, किसी न किसी वे से आपकी डिटेल मिलती हैं? जिसका क्वेश्चन होगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। द आंसर कम हियर इज़ येस, ये आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, और जब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं तो ये आपके बारे में सर्च करते हैं, ठीक है? कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट डाल रहे हैं, इन्हें सब पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका आपके पर्सन से बहुत बुरी तरह से फाइट हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत बुरी तरह से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं या हो चुके हैं, ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पर ये झगड़े, लड़ाइयाँ, ये जो सिचुएशन है, ये क्या ख़त्म होगी आपकी लव लाइफ से? प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, इसका जवाब क्या है, क्या ये सब चीज़ें ठीक होंगी, ख़त्म होंगी? थोड़े टाइम का ये टेम्प्रोरी एनर्जी है गाइस,
ये थोड़ा ईगो का टेंशन है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गलती खुद है, मतलब या तो आपका ईगो बहुत ज़्यादा है या उनका ईगो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सफरिंग है बहुत ज़्यादा झगड़े की वजह से। कई बार आपको लगता है कि इस रिश्ते में रुकूं या इस रिश्ते से मूव ऑन कर लूं, लेकिन यहाँ पर देखिए आने वाले समय में एक फ्रेश स्टार्ट होगी। जो भी झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो ख़त्म होंगी, सक्सेसफुल रिलेशन रहेगा। लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, ईगो को साइड करिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैसेज है, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। वी हैव गॉट एम्प्रेस एनर्जी। आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि आपके लाइफ से अगर मदर थर्ड पार्टी हैं, या उनके लाइफ में कोई अदर फीमेल या अदर मेल है, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो क्या आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे, थर्ड पार्टी को रिलीज़ करेंगे या नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डेफिनेटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कट ऑफ करेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ कंपैटिबिलिटी इनको फील होती है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और धीरे धीरे ही सही आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे और राइट टाइम आने पर ये कट ऑफ करेंगे उन सभी सिचुएशंस को जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं। देन वी हैव बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेश्चन है कि आपके मन में कोई इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं। आप कंप्लीशन चाहते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट द वर्ड एनर्जी। तो आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो आपके पर्सन के साथ, आपका कमिटमेंट आपको मिले। तो क्या कंप्लीशन होगा इन लोगों के लाइफ में, क्या यूनियन की वाइब्रेशन है। इमोशनली सरेंडर कीजिए। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो आप ही हैंडल कर रहे हो। मतलब देखो क्या होता है, एक चीज़ बताती हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने सबसे एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी, अपने पति से एक्सपेक्टेशन लगाए, उन्होंने सबसे विनती की कि ऐसा ना करें, बट किसी ने नहीं सुना। लास्ट में, एकदम लास्ट में, जब उन्होंने सरेंडर किया भगवान कृष्ण पर, हे गोविंद अब आप देखो, तब उन्होंने मदद की। तो अभी तक आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अपनी बातों से या अपने व्यवहार से, अपने नेचर से, अपने कैरेक्टरिस्टिक से आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। आपका पर्सन आता ज़रूर है, लेकिन फिर चला जाता है या चली जाती है, या हो सकता है बहुत टाइम से आ ही नहीं रहा हो, यूनियन हो ही नहीं पा रहा है, कंप्लीशन हो ही नहीं पा रहा है, इमोशनली किसी एक ने विड्रॉ किया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में सरेंडर टू डिवाइन। जब तक आप डिवाइन पे सरेंडर नहीं करेंगे, चीज़ें बैलेंस आउट नहीं होंगी। अगर आप इस वक्त सेपरेशन में हैं, तो आप सरेंडर कीजिए। आपके लिए डिवाइन खुद वर्कआउट करेंगे और आपका पर्सन दुगनी स्पीड से, जिस स्पीड से गया है या गई है, उसके दुगनी स्पीड से वापस आएगा। रिकवरी की एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप में कंप्लीशन होगा, लेकिन ये सब्र रखने की एनर्जी है। तो क्विक डिसीजन नहीं होगा, इट विल टेक लिटिल टाइम, थोड़ा समय लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जस्टिस का है, क्या आपको न्याय मिलेगा। जिसने आपके साथ गलत किया है, क्या उसके साथ गलत होगा, उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी। प्लीज गाइड करें। द आंसर कम हियर इज यस। उनका भी दिल टूटेगा, जिसने गलत किया है उसको भी पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको शादी का वादा करके धोखा दिया है, या आपसे शादी करके आपको चीट किया है, आपका कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है, या किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ फ्लर्ट किया है, टाइम पास किया है, ट्रू लव के नाम पर आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, और कुछ समय बाद आपको ये चीज़ें पता चली हैं कि वो व्यक्ति तो आपसे प्यार ही नहीं करता है, या उसने अपने मुँह से आपको ये चीज़ें बोली हैं कि यार मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, मैं तो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, अगर इस तरह की व्यवहार उसने करा है, तो सबसे पहले तो ये आपका भी कुछ इसमें पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड होता है, क्योंकि बिना कर्म के फल ऐसे ही नहीं मिलता है। तो अगर आपने पास्ट लाइफ में किसी को हर्ट किया है, किसी को तकलीफ़ दी है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में, अगर ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है इस लाइफ में, तो आपको सीधा क्या करना है, सबसे पहले तो मेडिटेशन में आपको इस व्यक्ति को जिसने आपको तकलीफ़ दी है, अपना पल्ला आप झाड़ लीजिए उस व्यक्ति से। सीधा आपको कहना है कि हे प्रभु, अगर मैंने इसको कभी भी किसी जन्म में कोई भी तकलीफ़ दी है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मेरे से जाने अनजाने अगर कभी भी किसी का दिल टूटा है, किसी को तकलीफ़ हुई है, किसी को पेन हुआ है, सफरिंग से किसी ने गुजरा है कोई मेरी वजह से,
तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं उस व्यक्ति को माफ़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिस व्यक्ति ने मुझे तकलीफ़ दी है। तो जब आप उसे माफ़ कर देंगे तो आपका पल्ला झड़ जाएगा, आपका कॉर्ड कट होगा और ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति को उसके किए की सज़ा फिर मिलना शुरू होगी, जो कि आपकी आँखों के सामने आएगी, एक ना एक दिन आपके आँखों के सामने आएगी। बट अगर आप इसमें भी अपना हाथ लिए रहते हैं कि यार मैं बदला लूँगी या बदले की भावना रहेगी, तो अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो आपका ये कर्मा नेक्स्ट लाइफ तक भी चला जाता है, अगला जन्म फिर आप बर्बाद करोगे इस व्यक्ति के चक्कर में, क्योंकि आपके अंदर बदले की भावना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपना पल्ला झाड़ लीजिए, आप उसे फोगिव कीजिए। मेडिटेशन में आप कहते हो भैया मैंने रिलीज़ कर दिया, जिसने जैसा किया उसको वैसा मिले, तो वो चीज़ें फिर डिवाइन उनको उनके कर्मों की सज़ा देते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं बॉटम ऑफ द डेक भी देख लूँगी, तो आप में से कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप उनकी वजह से डिप्रेशन में रहते हैं, सैड रहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, कि आपके पर्सन भी आपको मिस करते हैं। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, वी हैव गॉट फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन भी आपको मिस करते हैं, लेकिन ये डरते हैं। किससे डरते हैं? या तो इनके लाइफ में इनकी इमेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, सोशल इमेज हो सकती है, या फिर ये डरते हैं इनके घर में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये छुप के बात करेंगे या नहीं बात करेंगे, या डरते हैं किसी का कंट्रोल है, या अभी माँ बाप के कंट्रोल में है, अभी एज बहुत ज़्यादा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से किसी से भी बात कर सकें, तो किसी का फियर है जिसकी वजह से ये बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिस नहीं करते हैं। होपफुल रहिए, आने वाले समय में आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, जो भी आपका सेपरेशन पीरियड है वो एंड होगा। तो गाइज, होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। बाकी भगवान करे जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं सब आपसे रेजोनेट करें, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं किसी से भी रेजोनेट ना करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।